चौथा फर्क आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला का इल्म और हमारा इल्म एक जैसा नहीं है इस जगह से कि हम सिर्फ को जान सकते हैं अंदर की चीजों को हम नहीं जान सकते मस हम इंसान के दिल के अंदर क्या चाह रहा है क्या सोच चाह रही है हमें इल्म नहीं होता अल्लाह ताला तलार और बातन सब को जानता है क्योंकि उसने इंसान को बनाया है इस वजह से वो इंसान के सीने के राज़ों को भी जानता है हर चीज को जानता है अल्लाह इंसान हमने इंसान हम हम तो की शहर से भी ज्यादा करीब है ये सूर्य काफ की आयत नंबर सोलह में इर्शाद था पांचवा फर्क हम ये भी बयान कर सकते हैं कि अल्लाह तला का इल्म हमारे इलम की तरह इसलिए नहीं है कि हमारे हमारा इलम आला उसको जरूरत होती है वसायत की जरूरत होती है कोई चीज़ जरिया बने हम मसन आँख के जरिए सीखते हैं कान के जरिए सुनते हैं सीखते हैं कलम और किताब की हमें ज़रूरत होती है लेकिन अल्लाह तला का इल्म जो है किसी आले का मोहताज नहीं है क्योंकि वो जिसम नहीं रखता उसकी आँख जो है वो नहीं है उसके कान नहीं है उस वो कलम से लिखने की उसको जरूरत नहीं है बल्कि वो खुद जो है तमाम चीजों को जानता है यहाँ इस बात पे तवज्जो की जरूरत है कि हम अल्लाह ताला के तम की हकीकत को नहीं जान सकते चूंकि हम हमारा इहाता नहीं है अल्लाह ताला के का। कैसे अहाता हो हम तो बहुत सारी मौजूदात को नहीं जानते और भी कई एक चीजों के बारे में हमें इल्म नहीं आए बहुत सारे काय की मखलूक को हम नहीं जानते हम तो अपने इर्द गिर्द की सारी चीजों को भी नहीं जानते उनसे भी हम ला इम होते हैं तो कैसे अल्लाह तहता करें अल्लाह तेने इलम के, के जरिए से हमारा अहाता हुआ है जिस तरह के सूरत नंबर एक सौ दस में फरमाया बना खलफा हूं वो तुम्हारे आगे और पीछे जो कुछ है उसको जानता है बला यू हीतू ही इल्म वो अल्लाह ताला का अपने इल्म के जरिए से अहाता नहीं कर सकते इसी तरह दूसरी आयत जो है वो उसमें भी यही शायद फरमाया सूर बकरा की आयत नंबर दो सौ पचपन में खलफा हूँ वो उनके आगे और पीछे जो कुछ है उसको जानता है वो अल्लाह तला के जो है इलम का अहाता नहीं कर सकते मगर वो जो चाहे यानी वो जिसको बताना चाहे उसकी कुर्सी जो है वो शामिल है अहाता किया हुआ है उसकी कुर्सी ने आसमान और जमीनों का जहर कुर्सी से मुराद ये वाली कुर्सी नहीं है यहाँ और माना है तफसीरों में मुरादा कर सकते हैं यानी वो अपने इल्म के जरिए से अपनी कुदरत के जरिए से उसने अहाता किया हुआ है बला ये उदू हिफ दो जमीन व आसमानों की हिफाजत उसको नहीं थकती है वह बुलंद और अजीम है ख़ुलासा क्या है अब तक की जो हमारी कलाम हुई है अल्लाह ताला की इस सिफात इल्म के हवाले से तो पहला पॉइंट यह था कि अल्लाह ताला की सफात कमालिया में से अहम तरीन उसका सिफात इल्म है दूसरा पॉइंट ये था कि उसका इल्म हमारे उलूम से कई जहाद से मुख्तलिफ है चूंकि वो सिखाने वाले के बग़ैर उसके पास इलम है उसका इलम हमेशा से है उसमें ख़ता नहीं की गुंजाइश नहीं है जमान व मकान से उसका इल्म महदूद नहीं है जाहिर तक महदूद नहीं है बातन का भी इलम है हर चीज का उसको इलम है और उसको अपने इल्म में वो आला का मोहताज नहीं है तीसरा पॉइंट ये था कि जितना भी हमारा इलम बढ़ जाए हम महदूद रहेंगे हम अल्लाह तला का अहाता नहीं कर सकते ना ही उसके इलम का अहाता कर सकते हैं हमें अपने इल्म पर जो है वो इसके जरिए से हमें धोखा नहीं खाना चाहिए वफो का कुलदी इलम अलीम हर साहब इल के ऊपर बड़ी बड़ी आलमजात मौजूद है ये था हमारी सिफत के बारे में कुछ गुफ्तगु अब हम चाहते हैं कि सिफत कमाली जो इल्म के बाद दूसरे नंबर पर मुहिम तरीन सिफत है उसके बाद करें और वह हयात है अल्लाह तरमाया इनकुल्ल शन कदीर वो कुदरत है माजरतन हयात इन शान होने वाली है दूसरे नंबर पर हम कुदरत से बात करेंगे इशारे बाली ताला हुआ कि अल्लाह तला हर चीज़ पर कादर है सूर बकरा की आयत नंबर एक सौ नौ में इसी तरह हयात की भी बात आएगी तो वहां भी इन शह बयान करेंगे कि हयात भी कुरान में जिक्र हुई है कुदरत जो है वो क्या है हम जो देखते हैं ये आसमान है ये जमीन है बहुत सारी मखलूक जिनको हम देख रहे हैं बहुत सारी मखलूक जिनको हम नहीं देख रहे इन सबको अल्लाह तला ने खल किया है और इनका खल करना किसी आज जत का काम नहीं था एक कादिर ही जो है वो इनको खल कर सकती है तो हम भी कुछ कामों पर कादिर है अल्लाह ती कादर है तो हमारी कुदरत और उसकी कुदरत में क्या फर्क है हम उसको कादर मुतल कहते हैं क्या मतलब चंद चीजों में हम बयान करने वाले हैं कि हमारी और उसकी कुदरत में क्या फर्क है पहली चीज यह है कि उसकी कुदरत हमारी कुदरत की तरह इसलिए नहीं है कि हमारी कुदरत महदूद है हम हर भारी चीज को नहीं उठा सकते किसी को उठा सकते हैं किसी को नहीं उठा सकते हम मक्खी तक की जो है मखलूक छोटी सी छोटी मखलूक खालक नहीं कर सकते हम तारीकी में नहीं देख सकते इसी तरह बहुत सारे काम हम आजिज हैं उनसे अल्लाह तला की कुदरत वसी है बहुत बड़ी कुदरत है हम जिसको जिससे समझते हैं कि हम आजिज हैं अल्लाह ताला वो भी कर सकते हैं वो किसी चीज से आजिज नहीं है चाहे तो जलाने वाली आग को इब्राहिम के लिए बर्दन और सलामत करार दे चाहे तो आसमानों को बगैर सतूनों को बुलंद करार दे इंसान को चाहे इंसान जैसी अक्षरफुलमखलूक को मट्टी से खल करना चाहे तो उसकी कुदरत है कर सकता है और बहुत से बड़े बड़े काम जिनको हम सोच नहीं सकते वो कर सकता है परवरदिगार ने इर्शाद फरमाया है सूर फातर की आयत नंबर चवालीस में कि व माकान अल्लाह जहुमिन शेन समात वा फारे चीज़ नहीं है आसमानों और जमीनों में जो अल्लाह को आजज कर दे इन हुकानलीमन कदीरा अल्लाह तानने वाला भी है कादर भी है दूसरी इस जहज से भी दूसरी चीज जिससे हम जुदा होते हैं अपने रब से हमारी कुदरत में वो ये है कि हम आ, कुदरत के साथ साथ मुमकिन है कि हम कुदरत को गलत इस्तेमाल करते हुए जुल्ब करें गफलतन कर, या गफलत में चले जाए या नसीान हो जाए मगर अल्लाह जो है उसकी कुदरतना है उसके बावजूद गैर मुताना ही हैदिगार है। ने इर्शादर की आयत 49 में। वो किताब को रख दिया गया फतहाल मुजरमी जहरान की किताब है तो तू मुजरमीन को देखेगा वो डरे हुए हैं उस वजह से जिस हालत में वो है और कहते हैं कि हायकाश है इस किताब को क्या हुआ यानी नामा माल वाली किताब को लादिर सीरत कबीरा जिसने ना छोटा गुना छोड़ा है ना बड़ा मगर उसको शुमार किया है यानी वो भूल चुका था वो जिन चीजों को जिन अमाल को वो भी मौजूद थे वबा जदू मा लू हाद जो कुछ किया था उसको किताब में उन्होंने पाया वाला का अहादा और तेरा रब किसी पर जरा भर झुलम नहीं करता है ये दूसरा फर्क था तीसरा आप कह सकते हैं कि इस चीज में भी फर्क है उसकी कुदरत हमारी कुदरत से जुदा होती है कि हम आमतौर पर अपनी हाजत के लिए जल्दी करते हैं क्योंकि खौफ होता है कि अभी न किया तो फिर नहीं होगा फुर्सत चली जाएगी जया मसलन दुश्मन मिला है तो चाहते हैं कि अभी इंतकाम ले में वरना भाग जाएगा वजीफा है कोई मिल रहा है मसलन अपना कोई जॉब लग रही है तो जल्दी करते हैं कि अभी अभी काबू कर लें इसको वरना फिर नहीं मिलेगी जबकि अल्लाह ताला ऐसा नहीं है वो किसी चीज का उसको खौफ नहीं है कि उसके हाथ से चली जाए किसी उसको दुश्मन का खौफ नहीं है कि वो भाग जाए इसीलिए वो ालिमों को मोहलत देता है उसको खौफ नहीं है कि वह भाग जाए क्योंकि सब के सब उसकी कुदरत के नीचे है बेकुमल बेकु तुम जहां भी हो गए अल्लाह तुम्हें ले आएगा इन अल्लाह को लेन कदीर इसलिए तर चीज फरका रहे सूर्य बकरा की सौ अड़तालीस में फरमाया है तो अल्लाह तालमो को मोहलत देता है महमल नहीं करता छोड़ता नहीं है चौथी चीज जिसमें फर्क है उसकी कुदरत हमारी कुदरत से जुदा होती है वो ये है कि इंसान कभी ए, कुदरत तो रखता है लेकिन हिकमत नहीं होती कुदरत को इस्तेमाल करना नहीं जानता फायदा देना चाहता है तो नुकसान दे बैठता है लोगों को बचाना चाहता है तो हलाक कर बैठता है और बज दफा ालिम लोग जो है जुल्म कर बैठते हैं लेकिन अल्लाह तीन तमाम कुदरत को हमत से इस्तेमाल करता है वो जानता है कि कहां इस्तेमाल करनी है कहां फायदा है जहां मुनासिब हो वहां अपनी कुदरत इस्तेमाल करता है वक्त के हवाले से मकान के हवाले से परवरदिगार जो है वो अबस और लग्ब नहीं करता है जुल्म नहीं करता कि वो जुल्म से मुस्त नहीं है उसको जरूरत नहीं है कालम्लाजीजीम जान लेके अल्लाह तजीज़ है गालिब है लेकिन ना जुलम है ना अबस है ना लग्ब है बल्कि हकीम उन अजीज उन हकीम हमत से करता है ये थी दूसरी सिफत जिसके बारे में हमने बयान किया कि सिफात कमालिया जातिया में से तीसरी सिफत सिफात जतिया कमालिया में से हयात है हम एत रखते हैं कि अल्लाह ताली ऐसा मौजूद है जो हई है, है जिंदा है ये मसला वाज है बदीही है चूंकि जो तालिम भी हो जो ज़ात कादिर भी हो वो मैत नहीं हो सकती उसका हई होना ज़रूरी है इर्शाद बारी ताला हुआ अल्लाह हो ला इल्ला हुआ, अल्ला है जिसके बगैर कोई मबूद नहीं है, 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 है और क्यूम है जिंदा है और हर चीज उससे कैम है तो जिंदा तो हम भी हैं हयात हमारी भी है तो फिर एक दफा ये सोचना होगा कि वो उसकी हयात हमारी हयात से कहा जुदा है चंद एक चीजें हैं चंद एक पहलू हैं जिनसे मालूम होता है कि उनकी उसकी हयात हमारी हयात से जुदा है पहला पहलू यह है कि हमारी हयात जो है वो मसबूक बिलमौत है हम पहले नहीं थे और फिर हम जिंदा हुए अदम थे फिर वजूद में आए अल्लाह ताला ने फरमाया कैफा फरू नबीन तुम अमवातन तुम कैसे अल्लाह का कोफर करते हो इनकार करते हो जबकि तुम जो है मैय थे हया कोल्ला ने तुम्हें जिंदा किया सुमायुमी तो तुम फिर मारेगा

किताब मनहज दावा में ये इमाम का फरमान मौजूद है या है कबला कबलाकुल्ल हई ए वो हई के जो हर हई से पहले है या हई उन बादा बदकुल हई हर हई के बाद भी हई रहेगा या हई उन माकुल हई हर हई के साथ हर जिंदा के साथ जिंदा है या है यो है्यो हिना हई जब कोई हई नहीं था या यो यब का यनाकुल्लो हई ए बाकी रहेगा जबकि हर हई फना हो जाएगा या हैयोलाए है वो हई है। कि जिसके अलावा कोई मबूद नहीं या हैयो या क्यूम या करीम या मुहैल मोता आय वो हई वो जो करीम भी है आए मुर्दा को जिंदा करने वाला हयात देने वाली जे पहला फर्क था हमारी और उसकी हयात का दूसरा पहलू जिसमें हमारी हयात से उसकी हयात जुदा होती है वो यह है कि हमारी ये हयात जाति नहीं है हम अदम थे फिर हम जिंदा हुए हमारी अपनी मिल्क नहीं है हमें अल्लाह ने यह अता की है यानी हयात मिलने के बाद भी जती नहीं है आर्जी है अल्लाह की जो जिंदगी है हयात है वो उसकी अपनी जाति है किसी और की अताशुदा नहीं है कोई और जात मौजूद ही नहीं थी कि उसको जिंदगी उस उसक को वो जिंदगी अता करती हर चीज जब उसकी हयात से वजूद में आई है तो कैसे अल्लाह को कोई हयात दे सकता है तीसरा पहलू यह है कि वो दूसरों को हयात देने वाला है हम दूसरों को हयात देने वाले नहीं है वो दूसरों को हयात देने वाला है कायत में कोई भी अगर जो हयात है जो रूह चीज है तो उसको अल्लाह ने अता की है

मारे फतेह और उसके नूर ही से उसकी मारफत की उन्हें हिदायत हुई चौथा पहलू जिसमें फर्क है उसकी हयात का हमारी हयात से मौत नहीं है बल्कि दूसरों को उससे मौत है जैसे दूसरों को उससे हयात है इसी तरह दूसरों को उससे मौत है तो जैसे वो मोहई है इसी तरह वो मुमीत भी है मारने वाला भी है बस जिसको जिंदगी चाहिए उसी से तलब करे वरना जो मौत है वो उसकी जात की तरफ से है जब तक वो चाहता है किसी को हयात अता करता है जब वो हयात वापस लेता है तो वो चीज मर जाती है जब चाह जिंदगी दे दी जब चाह किसी चीज को मौत दे दी चूंकि ये जिंदगी उसी की तरफ से इंसान को हिब और गिफ्ट है बस जो जिंदगी चाहता है चाहे दुनिया की जिंदगी चाहता है चाहे आखरत की जिंदगी चाहता है मादी माद जिंदगी चाहता है मानवी जिंदगी चाहता है तो उसी है मुतल ही से वो हासिल कर सकता है पर अमीर उमिन ने इस हवाले से अपने इमाम हसन मुशतबा सलात को फरमाया था वाहम

उसका खुलासा चंद पॉइंट में इस तरह बनेगा पहला पॉइंट यह था कि अल्लाह तला की जो सिफात कमालिया है उनमें से एक सिफात कुदरत है क्योंकि हर चीज का जो खालिक है वो हर चीज पर कादिर है तो खालिक बना है दूसरा पॉइंट यह था कि उसकी कुदरत हमारी कुदरत से इसलिए जुदा है कि उसकी कुदरत गैर महदूद है उसकी कुदरत में जुल्म नहीं है उसकी कुदरत में जल्दी नहीं है और वो जात इसके बावजूद यानी इसके साथ साथ के वो कादिर है वो हकीम भी है तीसरा पॉइंट ये था कि अल्लाह ताला की सिफात में से सिफात कमारिया में से एक हयात है क्योंकि परवरदिगार जो अब आलम और कादिर है तो जरूरी है कि वो हई और जिंदा हो पांचवा पॉइंट ये था कि उसकी हयात जो है वो हमारी हयात और जिंदगी से इसलिए जुदा है कि हमारी जिंदगी कभी नहीं थी और मिली है जबकि वह अजल से जिंदा है हमारी हयात आर्जी है, है अताशुदा है उसकी हयात जो है वो जी है अल्लाह तहा हयात अता करने वाला है और जहाँ हयात अता करने वाला है वहां मौत भी अता करने वाला है बस जिसको जिंदगी चाहिए वो उसी से ही हासिल कर सकता है इन सिफात कमालिया के साथ साथ अल्लाह की आ, दूसरी जो सिफात है वो सिफात कमालिया फेलिया है ये जो अब तक था बयान ये सिफात कमालिया फेलिया का था दूसरी जो किस्म है वो सिफात कमालिया की सिफात कमालिया फेलिया है उनमें बेहतरीन और अजीम सिफात फैली अलकमाली यानी जो कमाल का मुझे बने लेकिन फेल में सिफत है वो हमत है पहले जानना ये जरूरी है कि हमत है क्या तो हमत से मुराद ये है कि अल्लाह तो फेल भी करता है वो हमत से करता है मसला खल करता है तो हमत से खल करता है उसका ये फेल हमत से खाली नहीं होता यानी हर चीज को उसकी मुनासिब जगह पे जमाने के हवाले से भी मकान के हवाले से भी मुनासिब जगह पे रखता है मसलन इंसान को खल किया है तो मुनासिब अंदाज में खल किया है दो दो उसकी आखें करार दी एक करार नहीं दी दो मुनासिब थी तीन नहीं करार दी चूंकि दो मुनासिब थी न एक मुनासिब थी न तीन मुनासिब थी तो ये उसका फेल जो है हिकमत में मुश्तमिल था जब इंसान को अकीम और बाझ बनाता है औलाद नहीं देता तो वो भी हिकमत से खाली नहीं होता जब रिस्क देता है मुन चीज अता करता है तो हिकमत से खाली नहीं होता है बस खुलासा यह है कि परवरदिगार हकीम जत है उसके किसी फेल और काम में न अबस है न लगव है हकीम होने की वजह से हर चीज को सही तरीके से अंजाम देता है हर चीज को उसके मुनासिब जगह पे रखता है मकान के हवाले से मुनासिब होती है जमाने के हवाले से मुनासिब होती है बस इंसान को एक मोमिन इंसान को जो अल्लाह पर ईमान रखता है मुतम रहना चाहिए हर उस काम पर जो अल्लाह ताला अंजाम देता है उसको पूरा इल्म और यकीन होना चाहिए कि परवरदिगार का हर काम मुनासिब जगह पर है मसलहत की वजह से है इंसान की उसमें बेहतरी और भलाई है हमत के अलावा चूंकि वह कोई काम अंजाम नहीं देता है यह जरूरी नहीं कि इंसान हर अल्लाह के हर काम की हमत को जान सके लेकिन उसको ये यकीन रखना जरूरी है कि उस काम के पीछे कोई ना कोई हमत है चूंकि वह काम कादिर मुतल और हकीम मुतलक ने अंजाम दिया है तो यही इंसान के लिए मुनासिब होगा ये नहीं कहना चाहिए इंसान को कि परवरदिगार ने यह काम क्यों किया काश ये काम ना करता जब वो हकीम है तो उसकी हमत पे कैसे इतराज हो सकता है इंसान अगर अपने 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 महदूद इलम की वजह से न भी जान सके तो उसका अकीदा उसको कहता है कि उसको राजी होना चाहिए इसी वजह से इमाम बाके तो फरमाया जब उनसे कहा गया कैफ अलाूसअलम्मल कैसे अल्लाह तला से सवाल नहीं किया जा सकता वो जो कुछ करे चूंकि कुरान मजीद में हलायूसअलम्मल अल्लाह से नहीं पूछा जा सकता जो कुछ वो करता है इमाम से जब इसके बारे में सवाल किया गया तो इमाम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया फरमाया व सवाबन इसलिए कि अल्लाह ताला वो ही करता है जो दुरुस्त होता है और जिसमें हमत होती है तो फिर कैसे पूछा जा सकता है पूछा तो उससे जा सकता है जिसके काम में खतरा होता है कि शायद उसने लाइल की वजह से किया हो गलती की हो उससे पूछा जा सकता है इमाम सादलाम ने भी फरमाया अपने बंदू के लिए सिर्फ वो ही करता है जो सबसे ज्यादा उनके लिए बेहतर होता है भला यदलम ना सा वो लोगों पर जरा भर जुल्म नहीं करता है भला किन्ना नासा मगर सिर्फ ये लोग हैं कि जो आ, जो है वह अपने नफ्सों पर जुल्म कर रहे होते हैं हमारी इस बात का अब तक खुलासा ये हुआ कि हम जो है अल्लाह तला जो है वह हमत से मुतसिफ है यानी वो कोई फेल जो है मुनासिब मकान और जमान के अलावा नहीं करता है और दूसरा पॉइंट हमारी बात का ये था कि अल्लाह तला जो कुछ करता है उससे नहीं पूछा जा सकता उसकी वजह यह है कि वो ना हिकमत के बगैर करता है और वो ना करता है अपने काम में इस वजह से वो उसके किसी काम के बारे में उससे नहीं पूछा जा सकता इस पर हमारा जो है ये वाला दर्स खत्म हुआ वहमद रबीन वना